सम्मान पाकर खिले मेधावियों को चेहरे, जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र मोमेंटो भेंट कर दी बधाई। जनपद अमरोहा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित 2024 की हाई स्कूल व इंटर में जनपद व प्रदेश स्तर पर सर्वोच्च स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2024 में प्रदेश और जनपद में हाई स्कूल की टॉप 10 में आने वाले विद्यार्थियों व इंटर परीक्षा में टॉप 10 में आने वाले विद्यार्थियों और को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर बधाई और शुभकामनाएं देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी बच्चों, उनके अभिभावकों और विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बच्चे जो माध्यमिक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने में कामयाब रहे हैं, वह ऐसे ही नहीं हो गया है। उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ और कुशल मार्गदर्शन के साथ काम किया है। इसके लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य और अध्यापकों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कहा कि इन बच्चों के माता पिता, भाई बहन का भी बहुत ही योगदान है जो आज ये बच्चे इस मुकाम पर पहुँचे हैं। कहा कि सतत प्रयास करने की आवश्यकता है, हम सबको असफलता से नहीं डरना है, हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ते जाना है, कभी अहंकार नहीं करना है, अपने अंदर अहंकार नहीं लाना है, अच्छे संस्कार लें, संस्कार ही व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, आप सब पूरी ईमानदारी के साथ कठोर परिश्रम करें, अवश्य ही आप जो मन में बनने की आपकी विचारधारा है उस मुकाम तक आप पहुँचेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग अपने दोस्तों, भाई बहनों को भी प्रेरित करें कि वह भी आपकी तरह सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में प्रयास करें और जनपद का नाम रोशन करें, तभी आपकी यह सफलता सार्थक होगी और वास्तविक परिणाम देखने को मिलेंगे। आप सब आगे की सीढ़ियां में भी इसी तरह मेहनत कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर अपने परिवार, जनपद, प्रदेश, देश का नाम रोशन करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अंत में जिलाधिकारी ने टॉप 10 में आए हुए बच्चों के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी माला पहनाकर सम्मानित किया। कहा कि आप सबके सार्थक प्रयास और कुशल मार्गदर्शन के कारण ही आज ये बच्चे सफलता की इस सीढ़ी पर चढ़ने में कामयाब हुए हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी कुमार मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक विष्णु प्रताप प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज सहित अन्य संबंधित अधिकारी, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य और सम्मान समारोह में प्रतिभाग किए हुए बड़ी संख्या छात्र छात्राएं मौजूद रही। हमारे जनपद अमरोहा के छात्रों का उत्तीर्ण होने का जो प्रतिशत था, प्रदेश में पहला है और हाई स्कूल में 10वां है, जो वाकई सराहनीय कार्य हमारे शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को और शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये मेधावी सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो बच्चे मेरिट में आए हुए उनका रिकॉग्निशन हो और उनको देख करके बाकी बच्चे प्रेरणा ले सकें और आगे और बेहतर परिणाम ला सकें। सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। लगभग कितने बच्चे सम्मानित? देखिए, हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा 2024 में जो मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनके निर्देशन में हुआ, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी थे। हमारे यहाँ जो बोर्ड परीक्षा हुई 2024, उसमें इंटर में हमारा जो प्रदेश में प्रथम स्थान था और यूपी टॉप 10 की सूची में सेकंड मेरिट हमारे यहाँ के बच्चे की थी। टोटल टॉप 10 जो उत्तर प्रदेश है उसमें हमारे 11 बच्चे आए और हाई स्कूल में हमारा प्रदेश में 10वां स्थान था, जिसमें से जो टॉप 10 सूची उत्तर प्रदेश की थी उसमें 2 बच्चे। तो टॉप 10 जो उत्तर प्रदेश के और जो हमारे जनपदीय टॉप 10 है, उन बच्चों को आज जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। उनके प्रधानाचार्य गणों को भी और जो हमारे सहयोगी टीम थी, हमारे कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक से संबंधित, उनको काफी प्रोत्साहित किया और प्रोत्साहन भी के रूप में उनका आज ये सभी बच्चों को और अभिभावकों को और शिक्षकों, प्रधानाचार्यों को बुलाकर सम्मानित किया, जिससे कि एक उनका और प्रोत्साहन हो और उनका ये भी एक अपेक्षा है कि गत वर्ष से हम जिस तरह 2023 के परीक्षा में अपने इंटरमीडिएट का प्रथम स्थान बरकरार रखे उत्तर प्रदेश में, तो इस साल भी है और आने वाले भविष्य में भी हमारे जनपद का अच्छा रिजल्ट।